हेलो गाइस, वेलकम टू सोनिया ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक हिंदी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। स्टोरी का जो नाम है तेनाली राम। तेनाली राम विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदूषक थे। काफ़ी बहुत बड़े विद्वान थे वो। तेनाली राम का जो जन्म है वो 16वीं सदी के प्रारंभ में तुमलरु नामक एक गाँव था, उसमें एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका जब जन्म हुआ था उस टाइम में उनका जो नाम था वो गरालपति राम कृष्णा था। उनके पिता गरालपति रामैया तेनाली नगर के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में क्या थे, वो पुरोहित थे, पंडित थे। रामैया का निधन रामकृष्णा के बाल्यकाल में ही हो गया था, जिसके पश्चात उनकी जो माता थी, माँ थी लक्ष्मा, तेनाली नगर लौट अपने भाई के साथ रहने लगी। रामकृष्ण अपने मामा के नगर में बड़ा हुआ, पला और तेनाली रामन के नाम से फिर जाने लगा। तेनाली रामन ने बाल्यकाल में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान कूट के भरा हुआ था। ज्ञान की सुधा के कारण वे बाद में प्राकृत विद्वान बन गए। एक सुपरिचित लोक कथा के अनुसार से होने के नाते तेनाली रामन को वैष्णव और विद्वान अपना शिष्य बनाने से इनकार करते रहे, क्योंकि वो शिव भगवान को मानते थे। तो वैष्णव विद्वान ने कहा कि वैष्णव धर्म को जो मानता है मैं उसी को शिक्षा देता हूँ। एक बार जब वे मारे मारे फिर रहे थे, तब एक मुनि ने उन्हें माँ काली की साधना करने का सुझाव दिया, सजेस्ट किया। तेनाली रामन की भक्ति से खुश होकर काली माँ ने उन्हें दर्शन दिए और रामन को 2 कटोरे दिए। पहले कटोरे में दही था और जो धन के लिए था, और दूसरे में दूध था जो बुद्धिमत्ता के लिए था। एक कटोरे में दही और दूसरे कटोरे में दूध था। काली माँ ने यानी देवी ने रामन से कहा कि मेरे पास 2 कटोरा है, इसमें से कोई भी कटोरा आप ले लो। तो तेनाली रामन ने क्या किया, दोनों ही ले लिया, जिससे रामन महाधनवान और महाबुद्धिमान बन गया। तेनाली रामन ने हिंदू धर्म पर बहुत सारे रचनाएं की हैं। तेनाली राम के थ्रू बहुत सारे रचनाएं हुए जो आपको पढ़ने को मिलेगा। रामन की पत्नी जिनका नाम था शारदा और पुत्र जिसका नाम भास्कर था। तेनाली राम उसका बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था गुंडप्पा। तेनाली रामन एक विदूषक ही नहीं थे, बल्कि वो इसके साथ ही तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। तेनाली रामन ने विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उन्हें इच्छा हुई कि वो वहाँ पे जाए, इसलिए उन्होंने वहाँ जाने का डिसीज़न लिया। उन दिन महाराज कृष्णदेव राय ने कुछ विद्वानों की सभा बुलाई हुई थी। रामन भी सभा में जा पहुँचे। सभा में डिबेट्स हो रहा था, सब अपनी वाद विवाद पर लगे हुए थे। एक विद्वान कह रहा था कि हम संसार में नाना प्रकार के वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि भी देखते हैं, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसे दिखाई देती है, हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। दूसरे विद्वान ने कहा, इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक रावण खड़ा हो गया। उसने उसी विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं तो क्या केवल यह मान लेना काफ़ी है कि वह चीज़ खा रहे हैं? तो विद्वान ने बोला, हाँ। अब तेनाली रामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चले, पर ये वहाँ से यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठा रहने देते हैं। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से काफ़ी खुश हो गए थे। उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वे तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक दिन क्या हुआ, महाराज तेनाली रामन की किसी बात पर वो नाखुश हो गए। उन्होंने बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने क्रोध होकर कहा, हम जाओ मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनाली रामन अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में आ गए, क्योंकि राजा ने तो मना किया था कि मुंह नहीं दिखाना है। उसे देख कर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे और गुस्से हो गए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनाली रामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है,
मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह ना दिखाई दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनालीरामन के विषय में ऐसी अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गाँव में जाए जिनकी दशा अच्छी है, या उनके गाँव में जाए, इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी और गांव वालों पर उनका रौब भी पड़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाना चाहे। जहाँ जाए उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा और तेनालीराम ने कहा, महाराज आपकी हाथी जिधर ले जाए आप उधर चले जाइए, उधर ही आप जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार हो गए और चल दिए। कुछ और लोगों भी साथ में थे। चलते ऐसी जगह पहुंच गए जहां के लोग बहुत गरीब थे, दुखी थे। उनकी हालत देखकर महाराज भी दुखी हुए और वो बोले, हमें पता नहीं था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन गरीब लोग भी रहते हैं। हाथी हमें सही स्थान पर लेकर आए हैं। वास्तव में यहाँ के लोगों को मेरी ज़रूरत है। महाराज की बात सुनते ही हाथी के ऊपर जो महावत बैठा हुआ था अपने ऊपर से उसने चादर हटा दी। तेनालीरामन को सामने देख के सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। विजयनगर के जो राजपुर पुरोहित थे वो तेनालीरामन से काफ़ी जलते थे, शत्रु भावना उनसे रखते थे वो, तथा चार्य नाम था पुरोहित का। लेकिन तेनालीरामन के थ्रू आज सारे गरीबों की गरीबी दूर हो गई। उन्हें राजा की नीड्स थी तो वो तेनालीरामन के थ्रू सारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है? स्टोरी से हमें यह मोरल मिलता है कि हमें हमेशा अपना उचित कार्य करते रहना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कभी किसी के साथ धोखा बेईमानी नहीं करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।